वेलकम बैक टू आर चैनल। तो अभी कल नहीं परसों की दिन तीज है, परसों की दिन तीज है और अभी हमारे यहाँ पे काम ये थोड़ा सा ये फर्नीचर का काम हुआ था तो उसने अधूरा छोड़ दिया था, इसे 2-3 बार लग भी गई है। मनीषा हो गई कोई परेशान कुछ, क्योंकि मैं आज मशीन लगाने ऊपर चली गई थी, बस ये रो ही नहीं है बस। किचन की सफाई मैंने मना भी करा था हिम्मत कर, तो किचन की सफाई भी कर ली। मेहंदी वाली आई थी तो आने वाली थी तो उसको मना कर दिया, पर उसको फोन लगा के बोल दे है ना ये वाले रूम का पहले करवा देंगे, बस इसको लॉक चेंज करवाना है। तो तू इस रूम में बैठ जाना, मैं इसको लेके चली जाऊंगी। ये देखो किचन पूरा इतना साफ कर ही लिया, मानी नहीं आई। तो कई लोग बोलते हैं ना कि बस क्या करना पड़ता है, तैयार होके बस वीडियो बनाने और कुछ काम नहीं है। तो काम कोई सा भी हो आसान नहीं होता है, पूरा घर का करना पड़ता है। मेड हमारे यहाँ सिर्फ झाड़ू पोछी के लिए आती है, बाकी सारा काम करना पड़ता है। तो आज तो मैंने बिल्कुल भी हेल्प नहीं कराई इसकी, तो आज रोज़ हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ती है मेरे को, मैं कर लेती हूँ पूरा काम, मेरा मैं ही करती हूँ। हाँ पूरा काम यही करती है, लेकिन मेरे 4-5 दिनों से कोलैबोरेशन हुआ, आप लोग बोलते ना रोज़ वीडियो ही तो बनाती है, रोज़ वीडियो बनाती नहीं, बना ही नहीं पाती मैं, मेरे काम पे ध्यान ही नहीं दे पा रही, क्योंकि मैं घर के काम से और पीहू से इतना परेशान हो जाती हूँ। अभी भी उसने पूरा घर फैला दिया। हाँ अभी पूरा इसमें कोई मिन हाँ बटोर ली थोड़ा सा इसको बाहर झटका, पूरी चिप्स ढुला दी थी, बिस्किट यहाँ पे ढुला दिए थे टेबल पे। मतलब कभी कभी तो बिल्कुल कर ही नहीं पाती हूँ, और कभी 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 क्या, आजकल तो मैं रोज 10 बजे रात को तैयार हूँ एक कोलैबोरेशन करने के लिए, कि एक तो कर लूँ। आज तो बस मैं रो ही लूँ बस, क्योंकि उन्हें इतना परेशान कर दिया मेरे को, तो बस आज ऐसा लगा कि नहीं अब वो गोलू निकल जाए। तू नहा ले, मेहंदी वाली को फोन लगा दे है? दिन भर वैसे इधर काम चलेगा, पूरा डस्टबिन में, किचन में तो कुछ नहीं होगा ना, मैंने पूरा नहीं किचन का पूरा कपड़ा वपड़ा सब फेर दिया, पूरा साफ कर दिया, इसलिए किचन का पर्दा लगवा के रखना चाहिए। किचन का कुछ भी नहीं हो भी तो मत करवाना, अब गणपति बापा की सफाई हो गई उसके बाद ही करवाना, फिर नवरात्रि की सफाई के पहले करवाना। पता है आप लोगों को क्यों बताते, क्योंकि ना आप मेरी ऑडियंस हो, आप लोगों को सब पता होना चाहिए कि मेरा स्ट्रगल जो भी चल रहा है, या आगे जाके भी मैं क्या स्ट्रगल कर रही हूँ अपनी लाइफ में, और कैसे कैसे चीज़ें करती हूँ। मतलब मुझे कभी कोई फोर्स नहीं करता कि तू कोलैबोरेशन कर या तू कुछ कर, लेकिन सेल्फ डिपेंड होना ज़रूरी, जैसे मैं हर बार बताती हूँ। और जब मेरी फील्ड ही ये चीज़ हो चुकी है कि एज अ इन्फ्लुएंसर मुझे लोग जानते हैं, तो उस चीज़ में मुझे अब उसी फील्ड में आगे बढ़ना है, तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पर ये कि पहले घर में मैट्स थी तो बहुत इजी हो जाता था, और पीहू छोटी थी तो मतलब पीहू सो जाती थी या फिर सिर्फ दूध पी लेती थी तो वो खेलती रहती थी। अब उसको चीज़ें समझ में आने लगी कि मम्मा रेडी हो रही है, अब मम्मा कहीं चली जाएगी, और सोना भी बहुत कम हो गया, रात में सोती 12 बजे 1 बजे, दिन में 1-1.5 घंटा सोती है, नहीं तो नहीं भी सोती है। तो मेरे ना 4-4 5-5 दिन नहीं हो पाते हैं कोलैबोरेशन घर के काम के बाद, और डेली मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ अगर आप देख रहे हो तो। मम्मी आपका कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा था रुकने का। आप लोग देख रहे होंगे डेली मैं व्लॉगिंग भी नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिल पाता, मतलब जिन चीज़ों का मुझे व्लॉग बनाना चाहिए ना एक्चुअल में, कि हाँ मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, उन चीज़ों का मैं व्लॉग ही शूट नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं इतनी बिज़ी हो जाती हूँ उन सब चीज़ों में कि मैं भूल जाती हूँ कि मेरे को शूट भी करना है। और आज मुझे लगा कि नहीं मुझे शूट करना चाहिए, और आज जब मैंने पूरी किचन की सफाई कर दी तो आज घर का काम निकल गया, हमारा घर का काम ख़त्म ही नहीं हो रहा। आज ये घिसाई विसाई चल रही है, इसमें पूरी पूरा ख़राब हो जाएगा, सब पूरा ख़राब। कल ही मैंने बेडशीट चेंज करी, बेडशीट भी पूरी ख़राब हो जाएगी, वो फिर मैं वापस बदलूँगी। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं अभी शूट करूँ, अपना स्ट्रगल बताऊँ। तो आप लोगों को इस टाइप के व्लॉग्स अच्छे लगे, पसंद आए, तो आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना कि हाँ दीदी, जैसे आज मम्मी और मेरा शूट करने का था कि ना पसंद पसंद वाली चीज़ें मम्मी के साथ शूट करूँगी, जैसे आप लोगों ने डिमांड की थी, पर आज घर का काम निकल गया तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं शूट कर पाऊँगी बैठ के। अभी आ जाएंगे तो वो घर 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 आवाज़ आती रहेगी। माही के साथ तो अभी बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा, क्योंकि वो ऑफ़िस से भी लेट आ रहे, ऑफ़िस का उनको बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो वो ऑफ़िस में परेशान है। तो लाइफ ना बहुत इतनी ज़्यादा, मतलब इतना हेक्टिक मेरा डे हो जाता है कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मेरे को हाँ व्लॉग भी शूट करना है। हाँ मेरे को, मतलब मैं अपना कोई अच्छा सा लुक भी क्रिएट नहीं कर पा रही हूँ, कोलैबोरेशन है तो मैं चाह रही हूँ कि अब मैं करूँ,
तो आप लोगों को अगर मेरे इस टाइप के व्लॉग अच्छे लगे तो आप लोग बताना, तो आप लोगों के लिए मैं शूट करूँगी। क्योंकि पता है ना, काम करना, उसके साथ शूट करना, फिर उसके साथ काम करते करते एडिट करना, फिर व्लॉग उस व्लॉग को एडिट करके पोस्ट करना, लाइव करना, फिर बहुत मेहनत लगती है। तो अगर पसंद आएंगे आप लोगों को तो मैं शूट करूँगी, अदरवाइज़ कोई बात नहीं, जितना हो रहा है ठीक है, पर मैं चाहती हूँ कि मैं शूट करूँ और दिखाऊँ। वैसे मेरे कोई हेटर्स नहीं है, मुझे बहुत लोग प्यार देते हैं, और हेटर्स वाली मेरी लिस्ट है ही नहीं, पर जो दो तीन होते हैं ना, मैं चाहती हूँ कि उन लोगों का भी, मतलब हेटर्स क्या, पॉइंट ऑफ व्यू होता है सबका, अपना अपना बोलने का तरीका होता है, जो जो देखता है जैसा देखता है बोलता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना पॉइंट ऑफ व्यू मेरे मेरी जो लाइफ स्टाइल है उससे चेंज करें कि हाँ नहीं, मेहनत तो कर रही है बंदी, ऐसी आपकी हो जाए। तो उन्हीं के लोगों के लिए मैं चाह रही हूँ कि मैं शूट करूँ। तो अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद है तो आप मुझे कमेंट में बताना कि हाँ दीदी आप ऐसे व्लॉग्स कंटिन्यू रखो, तो फिर मैं बनाऊँगी। तो आज मैंने मेहंदी वाली को मना ही कर दिया है, मेरी पीहू इतना परेशान करी, इस लेवल पे परेशान कर रही है, उसके दांत दाड़ आ रहे हैं और ज़्यादा, तो अनकंट्रोल हो गई बिल्कुल, इतना ज़्यादा चिड़चिड़, उसने खाना नहीं खा रही ठीक से। मेरा पूरा घर मैं आपको दिखाऊँगी अभी कितना फैला पड़ा है। साथ मेहंदी लगवाना पॉसिबल नहीं है, पता नहीं मुझे तीज की मेहंदी लग पाएगी या नहीं, वो पता नहीं। बाकी यहाँ परसों तीज है, कल मे भी लग भी जाए या ना भी लगे, देखते हैं जो भी होगा मैं आपको बताऊंगी। पीहू ने इस हद तक परेशान कर दिया है, इस हद तक परेशान करते हैं कि मेहंदी वाली को फाइनली मना कर दिया। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी कसम मैंने मना कर दिया, मेरे से नहीं हो पाएगा मम्मी, हम घर की हालत देखो। नहीं नहीं नहीं, अरे मैं कर लूंगी मनसा, मेरी कसम, अब तो मैंने मना कर दिया, चली गई वो कहीं और चली गई लगाने उसका, मतलब मेरा किसी का ऑर्डर छोड़ के आ रही थी मुझे लगाना। जान दो यार, घर भी तो देखो क्या हालत हो रही है, खाना भी चार पांच चम्मच छोड़ ही दिया उसने, कितना मैंने कितनी मुश्किल से खिलाया, मैं ही जानती हूँ, मैंने फिर भी उसको खिला दिया। तो आज का दिन हमने सोचा कुछ था, निकला कुछ हो रही है ना, हमने सोचा तो बढ़िया, बस तैयार वैयार होके ये मेहंदी बना ली कि उसे वीडियो वगैरह बन जाएगी, उसकी साड़ी का प्रमोशन भी हो जाएगा। और आज हमारे मतलब जो काम करने का था वो काम तो हो गया है, काम तो हो गया पर थकावट बहुत ज्यादा हो गई, और आज पीहू भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, वो पीहू ने मेरे को बहुत थका दिया आज, खाना भी नहीं खा रही, रो रो जा रही है। देखो उस खाने में से चार पांच चम्मच खाया है, और वो खाना नहीं खाती है तो मेरे को बहुत टेंशन हो जाती है। नहीं उसकी दाढ़ वाड़ निकल गई इसलिए थोड़ा सा कर लिया, ऐसा दिन निकला है आज का हमारा, हम सोचते मेहंदी भी कैंसिल हो गई यार, शायद ही कल लग पाएगी, नहीं कल तो बुलवा लेना, कल तो मैं जल्दी उठ जाऊंगी तो ऊपर का फटाफट करके, ज्यादा तो वो नहीं रहेगा। तो हमारी फिल्म को मेंटली इतना थका देती है ना, एक डेढ़ बजे तक अभी इतना परेशान कर रही है, सोएगी भी एक डेढ़ बजे तक, क्योंकि वो साढ़े छह बजे सो के उठी, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं, उसको दवाइयां दे रहे तो सो रही है, अब वो सोएगी एक डेढ़ पौने दो बजे तक, और हम दिन भर से थके हुए फिर सोते हैं ना, तो ऐसा लगता है अभी तो सोए थे और अब भी सुबह होगी, मेरे साथ तो ऐसे ही होता है। और रात भर में भी बहुत बार उठती है, मम्मा बू है, मम्मा बू है, मम्मा बू है, अभी कुछ खा नहीं रही तो दूध पे ही टिकी रहेगी अब वो, पर फिर भी मैं अभी कोलैबोरेशन के लिए तैयार हूँ, मुझे होना पड़ेगा, तो देखते हैं होती हूँ नहीं होती हूँ, वैसे तो होंगी 99% होंगी, 1% देखते हैं। खाना तो बन ही गया, बस सब्जी बन गई है, रोटी बन रही है, मम्मी ने बर्तन धो दिए, मम्मी रोटी बनाने का ही बोल रहे थे कुछ, उनको रोटी बनाना पसंद नहीं है तो मुझे बोला आप ब्लॉग शूट कर लो, वो भी तो काम ही है, अब वो वाला काम कर लो क्या मम्मी। हाँ यार तो भाई के ढूंढ रही हो तो सीधा से वो चेची निकाल के पता नहीं कहां रख दी तुमने यार, क्यों मम्मी मैं ना रोटी बड़ी बड़ी बनाती हूँ क्या? नहीं किसने बोला, ये देखो मेरे घर की रोटी, इससे बड़ी तो मैं बनाती हूँ, इतनी छोटी छोटी रोटी बनती है हमारे घर पे। अब मेरे मम्मी के घर पे जब मैं रुकने गई थी, जब शिवन्या के पैर में चोट लग गई थी, तो उस टाइम पे इतने सारे लोग थे कि मुझे 40 से 45 रोटी बनानी थी, और अगर मैं इतनी इतनी सी लोई की बनाती तो कितनी देर तक बनाती रहती,
और जिस इंसान की मैं जितनी रोटी बना रही हूँ उससे दो रोटी ज्यादा बनाती हूँ। तो वहाँ पे एक वीडियो बनाई थी मैंने, तो वीडियो में बोल रही इतनी बड़ी बड़ी रोटी बना रही है, इतनी बड़ी रोटी तो कुत्ते भी नहीं खाते। तो क्या होता है कुत्ते नहीं खाते हैं, क्या होता है? कौन बोल रहा था? अनाज खा पे सब बड़ी रोटी कौन नहीं खाता, सब खाते हैं। मैं तो इसे बड़ी बनाती हूँ। मम्मी तो बहुत बड़ी, मम्मी के हाथ की रोटी देख लोगे, उसके सुनता मासी के हाथ की रोटी देख लोगे ना। हमारी रोटी बहुत हेल्दी होती है। हमारी रोटी बहुत हेल्दी होती है। ये देखो मम्मी पास से दिखा ना मेरी रोटी को, ये देखो ये बड़ी रोटी है। लोग तो इतनी बनाते चकला पूरा भर जाता क्या मम्मी? सही बड़ी बड़ी बनाते हैं। तो है ना बस जज करने के लिए आ जाते हैं। मेरे को एकदम से रोटी बनाते बनाते याद आया तो मतलब चलो इस बात का जवाब दे दिया जाए। देखते हैं तैयार होंगे तो शूट करूंगी, नहीं होंगे तो भी शूट करूंगी। और आपके घर में ऐसा दिन जाता है वो भी बताना, और इस टाइप से ब्लॉग शूट करूँ वो भी बताना जैसा मैंने आपको बोला। मम्मी धो रहे हैं बर्तन और मेरे को लैब के लिए रेडी होने का बोल रही थी। मम्मी कर रहे हैं मना, क्यों मना कर रहे हो? क्यों मना कर रहे हो? क्यों भाई होना चाहिए क्या मुझे को लैब के लिए रेडी होना चाहिए क्या? होना तो चाहिए बट यू आर नॉट फीलिंग वेल सो प्लीज रेस्ट, टेक रेस्ट। एक का करूँ क्या? अरे अब एक का करना दो का करना सब बराबर ही रहता दोनों में। तो बज रहे हैं अभी 10 और पीहू को भी खाना खिला। लेकिन कल मेंटली प्रिपेयर रहना भैया। वैसे तो मैं दो साड़ियाँ भी देखो निकाल कर लाई थी मार्केट में, पर मेरी हालत देखो आप, मतलब मेरी आंखें देखो, अलग ही इनमें थकावट नजर आ रही है। दिल ऐसा कर रहा है कि नहीं मुझे आराम करना चाहिए, तो मैं नहीं हो रही हूँ फिर रेडी। और जब मन नहीं होता कोई एक बार भी बोल देना कि मत हो तो फिर ऐसा लगता है कि ठीक है नहीं होती, फिर मैं नहीं हो रही हूँ। पर एक मिनट मम्मी, पर एक शर्त है मेरी, एक शर्त है मेरी, अगर मेरे को लैब के लिए रेडी नहीं होगी तो तुम भी मशीन पे नहीं बैठोगे। नहीं तो फिर रेंदो में भी मेरे को भी तैयार हो जाऊंगा। तबीयत आपकी भी खराब है बोलो, मान रहे हो? अरे मैं तो पेट नहीं, नहीं तो मैं भी तो तैयार होके करने ही तो हमारे मुंह को लेटना अच्छा ही नहीं है। लेटना अच्छा, अच्छे के लिए थोड़ी लेटते हैं, तबीयत ठीक करने के लिए लेटते हैं। ठीक है कल फिर अगर आपकी ज्यादा तबीयत खराब होगी फिर मेहंदी में लगवा लूंगी तो फिर आपसे खाना कौन बनाएगा? फिर मैं मेहंदी में नहीं लगवा पाऊंगी, इसलिए बोलो नहीं आओगे ना, नहीं जाओगे ना, आपको मेरी कसम अगर जाए तो। ले बेटा ये इसमें पीला, ये बोला इसमें पानी पीला मेरे। नहीं पापा इसको तो प्रमोशन में नहीं हुआ है अभी। वो रो रही है ना, वो जिद कर रही है। वो पियो करवा चौथ की थाली है, वो थाली का ग्लास है वो, वो प्रमोशन में नहीं हुआ पियो। वो भी ऐसे क्यों करते हो? ये से पी लो बेटा। बताओ बदी, बताओ बदी, बदी बदी यो फ्रेंडी, मौका मिले कभी कभी मौका मिले कदी कदी, ये लो इधर आके पियो। मम्मी आओ कदी कदी, चलो पी लो दोनों, अच्छे पकड़ो। मम्मी देखो चलो करवा चौथ की क्लास में ही पी लिया फिर। आ जाओ इधर आ जाओ, मौका मिले कदी कदी, ओ बदो बदी बदो बदी। बस ये अड़िया, अब ये इसको एक काम और करो, बदो बदी बदो बदी। तुमने यहां पे स्टोर करा ना, इग्नोर टोटल इग्नोर दीदी। पियू दीदी, पियू दीदी ऊपर से आया है उधर से, बाय। हां पियू दीदी बाय।